प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को विकसित करने के लिए हेलीपोर्ट रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर वन विभाग के माध्यम से एफसीए की औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। वन विभाग कुल्लू सर्कल की अरण्यपाल बासु कौशल ने कहा कि वन भूमि पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत डायवर्जन किया जाता है। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत एक हेक्टेयर तक की भूमि जिसमें 75 पेड़ काटने की परमिशन डीएफओ कार्यालय के स्तर पर डील किए जाते हैं, जिसमें 12 चुनिंदा पब्लिक डेवलपमेंट परियोजनाओं को लेकर प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वन विभाग कुल्लू सर्कल के अंतर्गत 30 से अधिक मुख्य परियोजनाओं के फॉरेस्ट डायवर्जन केस परिवेश 2.0 अपलोड किए गए हैं, जिसमें 4 हेलीपोर्ट प्रस्तावित है, जिसके लिए एफसीए की औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुल्लू डिवीजन के पिरडी और आलू ग्राउंड ग्रीन टैक्स बैरियर मनाली हेलीपोर्ट और लाहौल डिवीजन की जिस्पा हेलीपोर्ट की फाइल आईआरओ ऑफिस शिमला भेज दी गई है। इसके अलावा सिस्सू हेलीपोर्ट को लेकर यूजर एजेंसी से औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बिजली महादेव रोपवे को लेकर यूजर एजेंसी द्वारा केस अपलोड नहीं किया गया है। जैसे ही केस परिवेश 2.0 पर अपलोड किया जाएगा, उसके बाद उसको लेकर भी प्रोसेस प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। जी, ऐसा है, डेवलपमेंटल पर्पसेस से जितना भी फॉरेस्ट लैंड जो है वो डाइवर्ट होना होता है, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत जो है डाइवर्जन के लिए केसेस मूव किए जाते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में अप टू 1 हेक्टेयर के केसेस जिसमें 75 पेड़ तक की फेलिंग इन्वॉल्व है, ये केसेस हमारे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स के स्तर पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर भी डील किए जाते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जिन हमारे जो कुछ अनुमति है, कुछ आइटम्स के लिए अनुमति है उसके तहत, जहाँ तक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की बात करें तो रेगुलर बेसिस पे हमारे पास विभिन्न यूज़र एजेंसीज़ के केस जो हैं वो डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड के लिए प्रोसेस किए जाते हैं, और इन सभी केसेस के प्रोसेस का जो अपडेशन है वो ऑनलाइन रहता है हमारा परिवेश पोर्टल जो है। सो पहले जो ये पोर्टल था उसको हम परिवेश 1.0 के नाम से जानते थे। इफ़ेक्टिवली सितंबर 2022 ऑनवर्ड्स जो है परिवेश 2.0, इसके ऊपर जो है हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत जितने भी केसेस जो हैं वो अपलोड हो रहे हैं और प्रोसेस किए जा रहे हैं। अभी करेंटली बात करें तो कुल्लू सर्कल में हमारे पास काफ़ी केसेस जो हैं वो परिवेश 2 के ऊपर भी डील किए जा रहे हैं। 30 के लगभग ऐसे केसेस हैं जो गवर्नमेंट प्रायोरिटी में भी हैं और जिनको अपलोड किया जा चुका है परिवेश 2 के ऊपर, और उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिवली अपनी भूमिका निभा रहा है। अगर कुछ केसेस की बात करें तो हमारे पास कुल्लू सर्कल में यहाँ 4 हेलीपोर्ट्स हैं। हेलीपोर्ट एट पिरडी जो हमारे कुल्लू डिवीजन में पड़ता है, जो ये पिरडी वाला हेलीपोर्ट है ये फ़िलहाल प्रोसेस करके ये हमारा आईआरओ ऑफिस जो है शिमला में वहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा हमारा ग्रीन टैक्स बैरियर आलू ग्राउंड के पास एक और हेलीपोर्ट है, सिमिलरली इसको भी प्रोसेस करके जो है वो आईआरओ लेवल पे ये वहाँ पे अभी भेजा गया है। इसके अलावा लाहौल क्षेत्र में हमारे सिस्सू और जिस्पा में 2 हेलीपोर्ट्स प्रपोज्ड हैं। जिस्पा वाला जो हमारा हेलीपोर्ट का केस है, अगेन वो हमारे आईआरओ ऑफिस के पास है प्रोसेसिंग के लिए शिमला में, और जो सिस्सू वाला हमारा हेलीपोर्ट है वो फ़िलहाल जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है उनके पास ऑब्जर्वेशन अटेंड करने के लिए आया हुआ है। इसके अलावा अगर बीआरओ की बात करें लाहौल क्षेत्र में, वहाँ पे कुछ ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उनके 2 केसेस हैं, जो एक सुमदो में और एक पोंग में, ये भी अंडर प्रोसेस हैं केसेस, और फ़िलहाल ये यूज़र एजेंसी या प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट के पास हैं इन ऑर्डर टू अटेंड सम ऑब्जर्वेशंस जो हायर ऑफिस से हमारे पास आई हैं। बात करें अगर वाइडनिंग ऑफ भुंतर एयरपोर्ट, जो हमारा भुंतर में एयरपोर्ट है उसकी वाइडनिंग की बात करें, तो ये केस भी फ़िलहाल हमारे पास एक बार प्रोसेस होके ऊपर जा चुका है और अभी वहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशंस लग के वापस आया है, और केस जो है वो 17 अप्रैल से प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट यूज़र एजेंसी के पास है ऑब्जर्वेशंस अटेंड करने के लिए। जैसे ही ऑब्जर्वेशंस अटेंड होके हमारे स्तर पे आ जाएगा, इन सभी केसेस को जो है हम एक्सपेडाइट करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास जितने भी केसेस एफसीए के तहत आते हैं और हमारे पास पोर्टल पे हैं, हमारे विभाग की हर संभव ये कोशिश रहती है कि हम जल्द से जल्द उन्हें एक्सपेडाइट करें और इन केसेस के प्रोसेसिंग में कोई भी इनऑर्डिनेट डिले ना हो।
बिजली महादेव रोपवे की जहाँ तक बात है, बिजली महादेव रोपवे अभी तक हमारे जो परिवेश 2 पोर्टल है उसके ऊपर ये केस अभी अपलोड होके यूज़र एजेंसी से हमारे पास आना है। जैसे ही ये केस हमारे पास अपलोड हो जाएगा, वन विभाग इसमें त्वरित कार्रवाई करेगा और इसको एक्सपेडाइट करेगा। हमारी ओर से इसमें कोई ऐसी देरी नहीं होगी, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे।